हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, राइट? तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट नाम से मालूम पड़ता है कि जो कंपनी का जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पे फोकस करता है। किस पे फोकस करता है? क्वालिटी। क्योंकि एट नो 100% दैट क्वालिटी विल बी 100% राइट। क्योंकि कंपनी प्रोडक्शन करती है, चीज़ बनाती है, ज़रूरी नहीं कि सब प्रोडक्ट अच्छा ही बन गया है, तो उसमें कुछ डिफेक्टिव लिख लेंगे, रिजेक्टेड माल लिख लेगी, है ना? तो ऐसा पीस लिखेगा जो खराब निकल सकता है। इसलिए एक सेपरेट मैनेजमेंट होता है जो प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करता है, राइट? तो ये स्ट्रेटेजिक अप्रोच है टू प्रोड्यूस बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट। एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने की इन लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का पप्पा है डॉक्टर डब्ल्यू डायमिंग। कौन है डॉक्टर डब्ल्यू? 1960 में जापान में ये कॉन्सेप्ट लेके आया था, राइट? तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से क्या फायदा होगा? व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट? अगर एग्जाम में ये आंसर है सर्विस क्वालिटी मैनेजमेंट, क्या है या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, या किसी का भी इंपॉर्टेंस है क्वालिटी मैनेजमेंट में, आपको यही आंसर लिखना है। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मेन गोल क्या है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। किसको खुश करना? तो कस्टमर दो टाइप के होते हैं, इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर होगा और एक्सटर्नल मतलब कंपनी के बाहर। तो अगर अपन को बाहर वाले को खुश करना था, पहले एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई करेंगे, उन लोगों को प्रोडक्ट यूज करने देंगे। अगर उन लोगों का पॉजिटिव रिप्लाई आया मतलब प्रोडक्ट अच्छा है। तो इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर, एक्सटर्नल मतलब कंपनी के बाहर। दे ट्राई टू फोकस ऑन कस्टमर और इवेंचुअली बायर को खुश करते, कैसे? अच्छी चीज़ सप्लाई करके ऑफ बेस्ट क्वालिटी। इन दिस वे कस्टमर सेटिस्फाई। कस्टमर क्या होता है? सेटिस्फाई होता है। फिर नेक्स्ट क्या है? अगर आपके पास क्वालिटी अच्छी रहेगी ना प्रोडक्ट की, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, तो यू कैन एबल टू फेस दी कंपटीशन। तो कंपटीशन कितना भी टफ हो, आप मार्केट में बने रहेंगे, आपको मार्केट में जल्दी से एग्जिट नहीं मिलेगा, आप मार्केट में आगे भी रहेंगे, हो सकता है लीडर भी बनेंगे बिकॉज ऑफ गुड क्वालिटी। तो TKM इस पर भी फोकस करता है, हैव टू फेस कॉम्पिटिशन। ओके, गुडविल। जब तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा रहेगा तो कंपनी का नाम भी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट के साथ बढ़ेगा। तो कंपनी का नेम, फेम, रेपुटेशन मार्केटिंग में बढ़ते रहेगा, लोगों के नज़र में कंपनी का नाम अच्छा होगा, क्योंकि कंपनी अच्छी क्वालिटी का गुड सप्लाई कर रहा है ना, बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट इफंड। अच्छी से मेहनत कर रही है, प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट ला रही है, डिज़ाइन, वैरायटी, क्वालिटी, शेप, शेड, फीचर्स। इन दिस वे द कंपनी कैन एंड गुडविल इन दी मार्केट बिकॉज ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्शन। आफ्टर दैट, हाईली मोटिवेटेड पर्सनल। पर्सनल मतलब होता है काम करने वाले लोग, वर्कर्स। तो जब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या करता है, जो वर्कर्स लोग होते हैं ना उनको खुश करता है वो दो तरीके से, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी फैक्टर, बाय गिविंग देयर प्रॉपर सैलरी, वेजेस, है ना, अच्छे से, और ऊपर से लोगों को लेटर ऑफ थैंक, रिकग्निशन, एप्रिसिएशन। इस तरह क्या होता है, वर्कर मोटिवेट होते जाते हैं अच्छे से, सेटिस्फाई होते ना, फिर वर्कर मोटिवेट होता ना, फिर वो एप्लीकेशन और डेडिकेशन से काम करेगा, दिमाग और दिल से लगेगा, जिसका कारण वर्कर अच्छे से काम करने के कारण क्वालिटी में और बढ़ोतरी, इम्प्रूवमेंट होती जाती है। बिकॉज ऑफ हाईली मोटिवेटेड पर्सन, उनका काम को, जो भी वर्कर काम करते हैं उनके काम को सराहना होती है, मतलब लेटर ऑफ थैंक्स देके, ओके, रिकग्निशन और रिवॉर्ड देके। और पहले क्या, कंपनी में रिजेक्शन ज़्यादा होता था, क्वालिटी मैनेजमेंट नहीं था, क्वालिटी पे फोकस नहीं होते थे, तो देवर लार्ज नंबर ऑफ रिजेक्शन रेट, जिसके कारण क्या होता था, पूरा माल जो मार्केट में आता था वापस आ जाता। बट ड्यू टू टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट रिजेक्शन रेट कम हो गया। रिजेक्शन रेट क्या हो गया, उन लोग किस पे फोकस करते हैं, डिफेक्ट फ्री अप्रोच। डिफेक्ट फ्री अप्रोच मतलब जो भी चीज़ बनेगा उसमें डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। इन दिस वे द कंप्लेंट ऑफ, बोलते ना, रिजेक्शन कम हो गया, मतलब कंपनी में जो माल गया ना वापस से नहीं आना चाहिए, वापस से आया मतलब कंपनी को तकलीफ है, तो ये कम होने लगा क्योंकि क्वालिटी पे ध्यान हो रहा है। और फिर कस्टमर जो कंप्लेंट पहले ज़्यादा होती थी, अब कस्टमर की कंप्लेंट कम हो गई या तो नहीं आती है क्योंकि क्वालिटी अच्छी जा रही है। फिर एम्प्लॉयज़ को भी अच्छी सुविधा मिल रही है क्योंकि कंपनी के क्वालिटी मैनेजमेंट के कारण, एम्प्लॉयज़ के कारण कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है। तो अच्छे प्रॉफिट, अच्छी पगार, अच्छी सुविधा, अच्छी वर्किंग कंडीशन, ट्रांसपोर्ट, कैंटीन, ये सब कंपनी प्रोवाइड कर रही है। फिर कंपनी बढ़ेगी ना यार, एक्सपांड होगी, डाइवर्सिफाई मतलब बिजनेस का लाइन चेंज करेगी। अगर पेन बना रही है तो पेंसिल, रबर, शॉर्पनर भी बनाना चालू कर देगी। इन दिस वे कंपनी इज एबल टू डाइवर्सिफाई इस बिजनेस, एक्सपांशन हो रहा है क्योंकि क्वालिटी अच्छी है। फिर कंपनी में जब क्वालिटी अच्छी है चल रही है तो न्यू इनोवेशन आएगा। इनोवेशन मतलब न्यू आइडियाज़ आएगा प्रोडक्शन में, मार्केटिंग में, अदर फंक्शन में। तो इनोवेशन कंपनी को और सक्सेस लेके जाएगा, राइट? और फिर काम करने वाला भी खुश रहेगा, जॉब सेटिस्फाई रहेगा। तो ये रिजल्ट है, किसका रिजल्ट है? TKM का। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया ना, सर्विस क्वालिटी मैनेजमेंट, क्या आ गया? मतलब कंपनी या बैंक या इंश्योरेंस अपनी अच्छी सर्विस देना चाहता है, तो अच्छी सर्विस देगा तो क्या फ़ायदा होगा, तो सेम रिजल्ट आएगा। तो यही वाला पॉइंट डाल सकते हैं, जिधर TKM है उधर उधर SQM डाल देने का था। क्या डाल देने का था? तो एक तीर पे दो निशाना तुम्हारा काम है, मतलब कोई भी इंपॉर्टेंस है नहीं समझा तो पॉइंट उठा के डाल सकते। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।